रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सकते हैं। हमारे पूर्वज वर्षा की एक एक बूंद सहेजते थे। जहां मैसूर पत्तियों आदि की मदद से जगह जगह कुएं, तालाब, बावड़ियों आदि का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हम पानी की समस्या से बच सकते हैं। पानी को बचाने के लिए उपाय: घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल कर बारिश के पानी का सदुपयोग करें। घरों एवं उद्योगों के फालतू पानी को रिचार्ज कर पुनः बगीचों एवं खेती में उपयोग करें। फव्वारे के बदले नमस्कार किसान भाइयों, द्वारा तैयार जो खाद होती है उसको वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। केंचुए की आंतों के अंदर उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो उसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और बाकी का जो मल निकल केचुए के बारे में कहावत है कि केचुए की खुराक जो है एक हाथी के बराबर होती है। जो कुछ केचुआ खाता है वो मुंह से खाता है और मल द्वार से निकालता रहता है। जो सतही सुरंग बना
कलर हैं, ये खुले खेत में नहीं आ पाता है। और उससे क्या है कि अगर बाजार में कहीं पे भी शिमला मिर्च है लाल पीली, तो इसका मतलब वो पोली हाउस में पैदा हुई है, तो उसके बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। पोली हाउस में जो सब्जियों की खेती करते हैं अपन, उसमें खुले खेत से बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग तरीका है। उसमें जैसे ये शिमला मिर्च है, इसको अपन ने सूतली से ऊपर बांध रखा है। खुले खेत में ये फसल 2 फीट से ज़्यादा, 2.5 फीट से ज़्यादा कभी नहीं हो पाती है, और यहाँ पर ये फसल कम से कम 6 से 7 फुट और कभी कभी 8-10 फुट तक भी ऊँची हो जाती है। तो इसमें वर्टिकल हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट रहता है, क्योंकि ये जैसे अपन इसमें कुकम्बर लगाएंगे या करेला लगाएंगे, तो वो क्या ज़मीन पर फैलने वाली बेलें होती, तो ज़मीन ज़्यादा गिरती और उत्पादन कम होता है। इसमें क्या जैसे ककड़ी का है, लौकी, तुरई, कुछ भी लगा रहे हैं, सूतली के सारे चढ़ाएंगे, तो जमीन का कम से कम 10 फुट ऊंचाई तक का भाग अपने को उत्पादन देता है, जो कि खुले खेत में कभी संभव नहीं हो पाता है। पोली हाउस जो बनाने में जहां तक लागत की बात है, तो किसान भाई उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, वो देखते हैं कि इसमें तो लाखों रुपए लग रहे हैं, क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो वो एक कोई हाथ नहीं डालना चाहता। मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि जहां पर अपन 1,000 स्क्वायर मीटर मतलब आधा बीघा अगर पोली हाउस बना रहे हैं, तो उसमें 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है, तो खुशी की बात यह है कि उसमें से 75% तक अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है। जहां पर किसान को 10 लाख का जो खर्चा है, वो सिर्फ उसको 2.5 लाख देने से ही उसके 7.5 लाख रुपये सरकार दे रही है, तो उसको बड़ी आसानी से पोली हाउस बन सकता है। और उसका जो 2.5 लाख रुपये है, अगर वो ढंग से उस पोली हाउस को मैनेज करता है, तो 1 से 1.5 साल में उसका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके बाद अगर कहते हैं कोई 1 बीघा ज़मीन है, तो वो कैसे अपना घर चलाएगा, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आज तो आधा बीघा में भी अगर ज़मीन है, वहाँ पर भी पोली हाउस बनाकर किसान खेती कर रहा है, तो बड़ी आसानी से एक अच्छा जीवन स्तर वो जी सकता है। इसमें जो पोली हाउस है, इसमें एल्यूमिनियम गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप लगे होते हैं, और ऊपर एक पॉलीथीन की शीट लगी होती है। तो पॉलीथीन की शीट 5 साल में एक बार बदलनी पड़ती है, उसका भी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और जो उसका पोली हाउस का जो रूटीन खर्चा है, जैसे कोई उसमें बीज लगा रहा है या पानी लगा रहा है, मजदूर लगा रहा है, तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो खुले खेत में के लगभग बराबर ही होते हैं, लेकिन जहाँ पर उत्पादन की बात आती है, तो वो कम से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से ये पोली हाउस की खेती आज के समय की मांग है, और वो दिन दूर नहीं जब सारे खेत में जो खुले खेत में खेती है वो अब नहीं रहेगी और सब जगह पोली हाउस बनने वाले हैं। पोली हाउस में जहां अपन सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उसमें जो पानी पिलाने का तरीका है पौधों को, वो ड्रिप इरिगेशन से किया जाता है। ये जो काले रंग की जो नलियाँ लगा रखी है, इनमें बूंद बूंद करके पौधे के जड़ तंत्र में पानी गिरता है, तो उससे क्या है कि पानी का दक्ष उपयोग हो पाता है, कहीं पे भी पानी का नुकसान नहीं होता है, न वाष्पीकरण से होता है, न और कहीं पे भी जैसे जमीन से कुएं से अगर अपन ने नाली चलाएंगे, तो वो पता नहीं कितना पानी ज़मीन के अंदर जाता है और खेत तक पहुँचते पहुँचते 50-60% ही रह जाता है। तो ऐसे में अगर ड्रिप इरिगेशन से अपन सिंचाई करते हैं, तो उसमें पानी की भी बचत होती है। अच्छा, साथ ही एक बात ज़रूर किसान भाइयों के दिमाग में आ रही होगी कि जब गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में पोली हाउस में तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में फसल अपन कैसे उगा पाते हैं। बहुत ही वाजिब प्रश्न है उनका, लेकिन इसके लिए अपने पास क्या होता है कि जैसे फोगर्स लगा रखे होते हैं, जैसे अपन इस पे ऊपर ये लग रहे हैं फोगर्स, तो मार्च अप्रैल मई जून में जब अपने पास इसमें पोली हाउस में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तब इनको अपन स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या पानी बिल्कुल बारीक बारीक बूंदों की तरह फसल के ऊपर गिरता है, उससे वो जो तापमान है वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, और अपनी फसल को साल भर एक तरह से सावन का अनुभव होता है। जैसे सावन के महीने में जो फसलें बहुत अच्छी वृद्धि करती है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे चलते हैं, वही हिसाब से अपने इस पोली हाउस के अंदर भी जब अपन गर्मी ज़्यादा होती है तो ये फोगर्स चला देते हैं, अगर गर्मी कम है तो पूरे चारों तरफ से जो कर्टेंस हैं, पर्दे हैं, उनको कम कर नीचे डाल देते हैं, तो अंदर पोली हाउस में गर्मी हो जाती है। इस तरह से अपन उसमें तापमान और आर्द्रता का नियंत्रण कर सकते हैं, और पौधे को जैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है वैसा अपन पौधों को दे सकते हैं, जिससे पौधा अपनी उचित पैदावार दे सके और उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। दैनिक जीवन में 70% पानी का खेती में उपभोग होता है। एक किसान साल में औसतन 2 करोड़ लीटर पानी का इस्तेमाल करता है, जिसमें से 40 से 50% पानी व्यर्थ जाता है, जिसका भूगर्भ स्तर पर सीधा असर होता है। भूगर्भ जल आज कई क्षेत्रों में 1500 फीट तक भी गिर चुका है, तब पानी क्षार से युक्त आता है, जो रासायनिक उर्वरों के साथ क्रिया करके जमीन को बंजर बना देता है। कृषि में जल व्यवस्थापन करना अत्यंत जरूरी है। पानी को बचाने के उपाय, खेती की नालियां इस प्रकार बनाएं कि बारिश की एक एक बूंद का उपयोग हो सके।
बारिश के पानी के बहाव के मार्ग में बांध, एनिकेट, नाला प्लग आदि बनाने से भूगर्भ जल स्तर बढ़ता है। टपक सिंचाई अपनाने से 80% पानी और 50% खाद और उर्वरक की बचत होती है। केवल जड़ों में पानी पहुंचने से अनावश्यक खरपतवार भी पैदा नहीं होती है और फसल भी अच्छी होती है, जिससे 65% उत्पादन बढ़ जाता है। फव्वारा सिंचाई अपनाने से 10-60% पानी की बचत होती है और उत्पादन 50% बढ़ जाता है। यदि किसान अपने भूमि के 10वें हिस्से में 10 फीट गहरा तालाब खुदाई कर प्लास्टिक बिछाकर बारिश के पानी का संचय करें तो जल की कमी से बच सकते हैं। खेत की मेड़ों पर पौधे लगाने से पानी का बहाव कम हो जाता है और पानी जमीन में उतरता है। जमीन की नमी सूखने से पहले बुआई कर देनी चाहिए। समय समय पर निराई करने से 25-40% पानी की बचत हो सकती है। नई फसल पुरानी फसल के काटने से पहले बीच में बो देने से पानी की बचत होती है। इसे रिले खेती कहते हैं। पानी की जांच कराकर योग्य फसल लेनी चाहिए। मल्चिंग करने से नमी को हवा में उड़ने से रोका जा सकता है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। उचित ढलान में छोटी क्यारी बनाकर सिंचाई करने से पानी का अच्छी तरह नियंत्रण किया जा सकता है। केवल हैंडपंप खोदकर पानी का उपयोग न करें, वरन रिचार्जिंग एवं संचय कर पुनर्भरण कर ही हम भयंकर जल संकट से निपट सकते हैं। पानी अमृत है, इसे धन की तरह संचय कर जीवन में खुशहाली बहाल करें।